मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन में चलने वालों की रेल बजट से क्या उम्मीदें हैं और पिछले एक साल में उन्हें क्या मिला, ये जानने के लिए जी मीडिया संवाददाता अनुराग शाह ने विरार से चर्चगेट तक लोकल में सफर किया और जानी लोगों की राय। रेल मंत्री सुरेश प्रभु के इस रेल बजट में मुंबई और मुंबई के सर्बन इलाकों के लोगों की कुछ ज्यादा उम्मीदें होगी, क्योंकि पिछले रेल बजट में उन्हें कुछ निराशा हुई थी। लेकिन सबसे ज्यादा जो उम्मीदें होगी वो मुंबई की लोकल ट्रेन में यात्रा करने वाले उन लाखों लोगों की होगी। तो आज हम एक रियलिटी चेक करेंगे, हम विरार से चर्चगेट तक का लोकल का सफर करेंगे और लोगों से जानेंगे कि उनकी रेल मंत्री से क्या मांग है और उनसे ये भी समझेंगे कि पिछले एक साल में क्या क्या चीजें बदली है जिससे जो उनका ट्रैवल है कुछ इजी हुआ है और अब वो रेल मंत्री से और क्या चीज चाहते हैं इस आने वाले बजट में। विरार से रेल तक का रूट है वो बिजी, क्योंकि ज्यादातर ट्रेन की शुरुआत विरार से होती है और कमेंट्स होती है चर्च गेट पे। करीबन 2 लाख लोग हैं जो विरार से हर दिन यात्रा करते हैं और ज्यादातर लोग हैं जो फिजिकल टिकट लेते हैं, लेकिन पिछले साल के मुकाबले रेलवे ने ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन की जो संख्या है वो भी 3 गुनी कर दी है। विरार स्टेशन पे करीबन 40 एटीएम मशीनें हैं और हम जो सफर करने वाले हैं विरार से चर्च गेट तक का वो पेपरलेस टिकट के जरिए करने वाले हैं, मोबाइल टिकट के जरिए। तो आइए शुरू करें हमारा सफर। हमारे विरार चर्चगेट तक के शुरुआत हो गई है और मैं लोकल ट्रेन के सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में हूँ। बहुत सारे लोग हैं, उनसे ही जानता हूँ क्या क्या दिक्कतें आ रही है जब वो ट्रेवल करते हैं, उसको रेल मंत्री को उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। सर, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, अभी आप रोजाना कम्यूट करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ट्रेवलिंग में? सबसे बड़ी दिक्कत मैंने जो आपको बताया कि जो चर्चगेट से ट्रेन विरार आती है उसको एटलीस्ट वसई से 2 ट्रेन छोड़ के 1 ट्रेन डायरेक्ट वसई टू विरार आना चाहिए ऑल्टरनेट ट्रेन, ताकि क्या है कि रिटर्न्स वाले जो आते हैं वो पूरा ट्रेन पैक हो जाता है तो विरार वाले को चढ़ने नहीं मिलता, खड़े बैठने को तो कभी मिलता ही नहीं। सर, अगर हम बात करें पिछले एक साल के अंदर आप रेलवे में ट्रेवल करते हैं क्या क्या चीजें अच्छी हुई है, ये तो कुछ मांगे हैं लेकिन कुछ चीजें जो बदली है, बदलाव आया है जो आप रियली फील करते हैं कि ये चीजें पहले के मुकाबले बेहतर हुई है? एक चीज तो मैंने जरूर नोटिस की, ये जो नई ट्रेन आई है उसमें भाई साहब ने कहा वेंटिलेशन और फैन, ये विंडोज भी उन्होंने बड़ी की है, इस वजह से पीक आवर्स में आपको ट्रैवल करने में पहले से बहुत अच्छा भी कंफर्टेबल है। वेंटिलेशन की वजह से रियली ये बहुत कंफर्टेबल है, पीक आवर्स में आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट के जो पैसेंजर, उनसे जानते हैं कि बजट में वो क्या चाहते हैं। सर, आपसे पूछना चाहूंगा, बजट में जो फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करते हैं तो क्या आप ऐसी चीजें चाहते हैं जिसका ऐलान हो? चार्जर के लिए प्लग, आपकी क्या है? चार्जर के लिए प्लग चाहिए, बाकी कोई तकलीफ नहीं है। उतरना उतरने का अलग अलग रूल होना चाहिए। फैसिलिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से सर मैं बात करूं तो एज ए फर्स्ट क्लास पैसेंजर और क्या फैसिलिटीज की डिमांड है कि ये फैसिलिटीज आपको मिलनी चाहिए? Yes, that's what we want, basic comfort as well as there should be a lot of the seat arrangement is also not proper, they should be getting modernized as per the foreign countries. Upstanding because the what sort of seat, there is no issues on that, it will save a lot of spaces. And apart from that kiya hua hai, gates to band hote hain, kam se kam koi accident ki to problem nahi hoti na metro mein, koi gir karke nahi mar sakta hai, takra ke nahi mar sakta hai. Bilkul. हमने हमारे सफर में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास दोनों कंपार्टमेंट में ट्रेवल किया और जानने की कोशिश करी कि इस रेल बजट में लोग क्या चाहते हैं। सेकंड क्लास में सफर करने वाले लोगों की मांग है कि किरायों में बढ़ोतरी नहीं हो पर पीक आवर्स का जो रश है उसको कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा नई लोकल चलाई जाए। इसके अलावा फर्स्ट क्लास के अंदर ट्रेवल करने वाले लोगों की डिमांड है कि जल्द से जल्द एसी ट्रेन को शुरू किया जाए और जो फर्स्ट क्लास कोचेज की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी की जाए। इन सबके बीच लोगों ने माना है कि पिछले एक साल के अंदर रेलवे स्टेशन पर सफाई का स्तर सुधरा है, पेपरलेस टिकटिंग की शुरुआत हुई है, क्योंकि कई स्टेशन पर एस्केलेटर भी शुरू हुए हैं।